हाय एवरीवन, मेरा नाम है सीप पाहुजा एंड वेलकम टू माय चैनल। जैसे मैंने कल एक वीडियो रिलीज किया था टॉप 30 मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज ऑफ बायोलॉजी, वैसे ही बेटा ऑन ह्यूज डिमांड आज मैं आपको बताने वाली हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो बारी बारी रिपीट होते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री में। जिन्होंने कल वाला वीडियो नहीं जाके देखा है प्लीज उसको मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दे रही हूँ। बायो के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्लस उनका लाइव सेशन भी मैं ले चुकी हूँ, प्लस उसकी पीडीएफ भी, सारे टॉपिक्स की डिटेल पीडीएफ भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, ठीक है। जिन्होंने नहीं देखा वो जाकर जरूर देखना। मूविंग ऑन टू द सबसे ड्रेडफुल सब्जेक्ट एंड दैट इज नन अदर देन फिजिक्स। फिजिक्स में देखा जाए तो यार ये सारी लिस्ट ऑफ टॉपिक्स है जो आप छोड़ के नहीं जा सकते, जो कि हाई स्कोरिंग है। मैंने क्या किया कि मैकेनिक्स, थर्मोफिजिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिक फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स और ऑप्टिक्स को डिवाइड कर दिया। तो अगर तुम यहां पर ध्यान देखोगे, जैसे मैकेनिक्स में ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, तुम देख लेना। ये सारी वीडियो, ये सारे नोट्स मैं आपको देने वाली हूं अपने टेलीग्राम पे, ठीक है। थर्मल फिजिक्स में जैसे थर्मल कंडक्टिविटी, बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, रेफ्रिजरेटर, स्पेसिफिक हीट, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। मैकेनिक्स में ग्रेविटेशन एनर्जी, टॉर्क, पावर, एमओआई, मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन। ऑप्टिक्स में बेसिक्स ऑफ रिफ्रैक्शन, लेंस मेकर फॉर्मूला, प्रिज्म, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, वाईडीएसई, सुपरपोजिशन। देन इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड करंट में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, गॉसेस थ्योरम, जॉइनिंग ऑफ कैपेसिटर, रेजिस्टर, इलेक्ट्रिक पावर, ये सारी चीजें हैं। और मैग्नेटिक फिजिक्स में आपकी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट्स, लॉरेंट्स फोर्स, एलएनएम, एलसीआर, प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव्स, ट्रांसफॉर्मर। तो ये बेटा टोटल अगर तुम गिनोगे तो टोटल तुम्हारे पास अप्रॉक्सिमेटली 40 टॉपिक ऐसे हैं। अगर आपने फिजिक्स करी है तो इन टॉपिक्स को दोबारा कर लीजिए जस्ट टू ब्रश अप। और अगर बेटा कहीं फिजिक्स नहीं तैयार करी है तो कम से कम इनको देख कर जाना, ठीक है, इन टॉपिक्स को जरूर देख कर जाना ताकि तुम्हारी मिस्टेक कम से कम हो और एटलीस्ट आप कुछ अटेम्प्ट कर पाए फिजिक्स में, ठीक है। ये आपको सारी पीडीएफ मैं प्रोवाइड करा दूंगी अपने टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, लेकिन आप जा सकते हैं सीप पाहुजा बायोलॉजी, सीप पाहुजा बायोलॉजी ऑफिशियल, ठीक है, डिस्क्रिप्शन वाले टेलीग्राम के लिंक पर, या फिर सर्च करके जा सकते हैं सीप पाहुजा बायोलॉजी ऑफिशियल, वहां पर आपको पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है जी। तो ये बात हो गई आपकी फिजिक्स की। फिजिक्स के अलावा अब अगली बात आती है केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में बेटा मैंने आपके लिए टॉप चैप्टर्स यहां पे लिखे हैं जो आपको बारी बारी देखने हैं, जिसमें से हर साल मल्टीपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, 4 क्वेश्चन इसमें से बेटा बन जाते हैं। केमिकल बॉन्डिंग इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 5 क्वेश्चन जनरली बनते हैं। पी ब्लॉक 3 क्वेश्चन, ये अप्रॉक्सिमेट वैल्यू है, एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे भी हो सकता है। हाइड्रोकार्बन 4 जनरली आते हैं। एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड 3 क्वेश्चन। इक्विलिब्रियम, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, सॉलिड स्टेट, केमिकल काइनेटिक्स, तो बड़ी हो गया, अच्छा ऊपर केमिकल बॉन्डिंग था। डीएनएफ ब्लॉक, अमीन्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ब्लॉक केमिस्ट्री और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसमें से बेटा काफी अच्छे 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। बट एक प्रो टिप देके जाती हूं, कुछ इजी चैप्टर्स भी है केमिस्ट्री के जिसमें से 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो इजी चैप्टर तो जरूर कर लेना, कम से कम वो 2 क्वेश्चन भी हम क्यों छोड़े। जैसे कि बायोमोलिक्यूल्स, जो कि ओवरलैप होता है आपकी बायोलॉजी के साथ, पॉलीमर्स एंड एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री के बेटा ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, टॉपिक्स हैं जो आपको देखने हैं। अब इन टॉपिक्स को देखें कहां से, मैम हमारे पास तो सोर्स ही नहीं है। सोर्स के लिए बेटा मैंने पहले भी आपके साथ शेयर की थी, अब फिर शेयर करने वाली हूं फिजिक्स की फॉर्मूला बुकलेट। ये पूरी बुकलेट बेटा आपको सारे चैप्टर वाइज सारे फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट मिल जाएंगे जो कि आपको रिवाइज करने होते हैं लास्ट टाइम पे। तो ये फिजिक्स की फॉर्मूला बुकलेट है, साथ ही में केमिस्ट्री की प्रॉपर फॉर्मूला बुकलेट बनी हुई है, जिसमें पहले फिजिकल केमिस्ट्री है, फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, सारी चीजों के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज आपको इसमें मिलेंगे। इनफैक्ट बेटा इसमें जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाते हो ना, लेट मी गो टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाते हो तो पूरी आपको रिएक्शंस दिखती हैं। Yes, आप देखो जैसे अमीन के क्या क्या रिएक्शंस हो सकती हैं, ठीक है, ये देखिए इस तरीके से आपको रिएक्शन चार्ट भी सारों का मिलता है, ठीक है। जैसे ये किसका रिएक्शन चार्ट है, AROH का। अब यार इतनी केमिस्ट्री मैं तो नहीं जानती हूं, तुम मेरे से ज्यादा जानते हो, केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनोल, केमिकल रिएक्शन ऑफ अमीन। तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के सारे ट्रेंड्स हैं इसमें, ऑल द ट्रेंड्स विच आर पॉसिबल फॉर इनऑर्गेनिक, जो आपको बेसिकली याद करने हैं, ठीक है, जितने भी ट्रेंड हैं जो आपको याद करने होते हैं सारी चीजें बेटा आपको इस फॉर्मूला शीट में मिल जाएगी। तो मैं आपके साथ 4 चीजें शेयर करने वाली हूं। पहली चीज ये लिस्ट ऑफ टॉपिक्स ऑफ फिजिक्स, लिस्ट ऑफ टॉपिक्स ऑफ केमिस्ट्री, देन फिजिक्स का फॉर्मूला शीट एंड देन बेटा केमिस्ट्री का फॉर्मूला शीट। ये चारों चीजें बेटा आपको मिलेंगी मेरे टेलीग्राम पर। अगेन मैं बता रही हूं, टेलीग्राम इज विद माई नेम, दैट इज सीप पाहुजा बायोलॉजी, ये आपको दिख रहा होगा सीप पाहुजा बायोलॉजी, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी, वहां से डायरेक्टली आप वहां पर जाइए, डाउनलोड कीजिए। कैसा लगा मुझे बताइए वीडियो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो यार, उनको भी मदद होगी। वीडियो को लाइक जरूर करना एंड मुझे कमेंट्स में बताना व्हाट एल्स डू यू वांट। आई एम ट्राइंग रियली हार्ड कि यार लास्ट के 10 दिन में मैं तुम्हें कैसे
एक ओवरव्यू दे दूं, बायो का तो मैं कर ही रही हूं, बायो की तो बेटा डेली फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव क्लास होती है 12 बजे, जिसको नहीं पता प्लीज टेलीग्राम के थ्रू वहां से पहुंचे, और शाम को हम प्रैक्टिस क्लास भी कर रहे हैं 5 बजे। लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री में भी बेटा मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको एटलीस्ट मैं लिस्ट दे पाऊं, पढ़ा तो यार नहीं पाऊंगी, बायो भी पढ़ा सकती हूं, उसी की एक्सपर्ट हूं, बट फिजिक्स केमिस्ट्री में बेटा ये मटेरियल आपको बहुत मदद देने वाला है, आप खुद चेक कर लेना, बहुत ऑथेंटिक और अच्छा मटेरियल होने वाला है, ठीक है जी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना एंड पूरा कॉन्फिडेंट रहिए यार, जो होगा लाइफ में अच्छा होगा, और अगर तुमने मेहनत करी है तो तुम्हारे सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता, इसी कॉन्फिडेंस से पेपर देने जाइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच गाइस।